गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आप सभी लोगों से रूबरू होने के लिए इस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में आप सभी लोगों से खैरख्वाही लेने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखते होंगे और सारी इबादतों में आप मशगूल होंगे। अल्लाह करे आप सभी लोगों को ये सारे एहतमाम से अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है कि आज अल्लाह ताला ने हम सबको एक अशरे का रोज़ा कंप्लीट फरमाया। जो ये अशरा चल रहा था वो रहमत का अशरा था, आगे जो अशरा आने वाला है वो है मगफिरत का। तो मेरे मोहतरम और अजीज साथियों, अल्लाह पाक हम सबको ये अशरा नसीब फरमाए और उससे जो आगे आने वाला अशरा है वो भी हमें नसीब फरमाए और खूब जम के हम सबको अल्लाह के इस मुबारक पाक महीने में अल्लाह की हम्द सना करना है और अल्लाह की तरफ लौ लगा के अल्लाह से खूब लेने वाला बनना है। तो मेरे अजीज साथियों, ये मगफिरत का जो महीना है, अल्लाह से खूब अपनी मगफिरत की तलब करें और दुनिया की जो हिस हवस हमारे दिल में हमारे अंदर है उसे निकाल के हमें आखिरत की हिस हवस हमारे अंदर ला दे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल पाक मुबारक महीने के पाक जो महीना चल रहा है इसमें हम सबको खूब ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये मेरी मोहब्बत भरी अल्लाह की मैसेज पसंद आया होगा। आप सभी लोग इसे आगे से आगे शेयर करिए ताकि जो हजरात नहीं पता है उनको अगला अशरा क्या आने वाला है उन तक ये पहुंच जाए मैसेज और उस पर अमल करने की कोशिश करें और इस महीने में खूब ज़्यादा सदकात खैरात करें। जो भी गरीब दुखिया दुखियारा आपकी नज़र में है अल्लाह की से मदद लें और आप अपने हाथों से उन्हें सदका दें ताकि ये जो हमारे अमाल में बढ़ोतरी हो, हमारे अमाल में कमी ना हो। या आखिरत के दिन वही काम आने वाला है जो इस दुनिया में हम खर्च करेंगे। अल्लाह ताला हमारे अमाल में अच्छे से अच्छा हमारे अमाल को बनाएंगे और आखिरत में वही हमारे काम आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो भी गलतियां हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए कहने सुनने में और आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।